नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है और उसका सीधा सीधा असर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पर भी पड़ा है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक विवाद चल रहा है, लेकिन दोस्तों अभी रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया और साथ के साथ ही यूक्रेन की राजधानी पर भी कब्जा कर लिया और रशिया ने बोल दिया है कि यूक्रेन के जितने भी सैनिक हैं वो हथियार डाल दें या फिर वापस चले जाएं। दोस्तों इसका सीधा सीधा असर जो है वो पड़ा है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पर। तो दोस्तों जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर हैं अभी वो सब लोग, चाहे वो बिटकॉइन ही क्यों ना हो, सभी लोग इनको सेल करके और निकल के यहाँ से भाग रहे हैं। दोस्तों अभी बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है कि आप क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट करें या किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये मार्केट अभी हो सकता है और भी डाउन जा सकती है और बहुत बड़ा बवाल आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो विवाद है वो नाटो देशों से भी जुड़ा है और अमेरिका से भी जुड़ा है, और रशिया ने जो है खुली चुनौती दे दी है अमेरिका को भी और नाटो के जितने देश हैं उनको भी। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। और जो ये हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है या और भी जितने हम ऑनलाइन जो है जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारी की सारी इंटरनेट पर आधारित रहती है, और जब भी ऐसे कोई हालात बनते हैं तो ये जो है पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जाता है, क्योंकि इंटरनेट सेवाएँ भी ठप हो जाती हैं और ज़रूरत के समय में हमारे को जो चीज़ चाहिए हमारे को वो नहीं मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा एक विश्व युद्ध हो जाएगा और आज के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका असर जो है लोग के माइंड पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है वो सारे के सारे अपने जो है कॉइन वगैरह या टोकन वगैरह सेल करके अभी यहाँ से भाग रहे हैं। हर एक कॉइन या टोकन अभी बिल्कुल डाउन जा चुका है। आप इंतजार करिए कि दोबारा से मार्केट जब रिकवर करना स्टार्ट कर दे, जरा सा ऊपर आना स्टार्ट कर दे, उसी टाइम पे तुरंत आप कोई भी कॉइन या टोकन जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं या बिटकॉइन में आप कर रहे हैं या WRX में कर रहे हैं या किसी भी कॉइन में आप कर रहे हैं, उसको तुरंत बाय कर लीजिएगा। लेकिन लगातार उस पर नज़र बनाए रखिएगा। ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी सुझाव नहीं दूंगा। अगर आप ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल आपको जरा सा भी लॉस होना जब भी स्टार्ट हो जाए तुरंत उसी टाइम पे आप उस थोड़े से लॉस को ही आप सहन कर लीजिएगा और तुरंत उसको सेल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। सारी की सारी जो मार्केट है अभी क्रिप्टो करेंसी की वो डिपेंड करती है कि युद्ध जो है वो कहाँ तक पहुँचेगा, किस हालात में जाएगा और दुनिया में अभी क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर हैं अभी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन की जितनी भी सपोर्ट थी उनसे लग रहा था कि बिटकॉइन वापस से जो रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है तो वो वापस ऊपर ही जाता रहेगा, लेकिन सारी की सारी सपोर्ट जो है उनसे भी डाउन बिटकॉइन आया है और अभी भी लगातार थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। दोस्तों जब भी बिटकॉइन पे कोई असर होता है तो पूरी की पूरी मार्केट जो है उस पे असर पड़ जाता है। तो दोस्तों अभी सही समय नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने का, लेकिन हाँ ये सही समय है एक आपदा में अवसर ढूंढने का। जब भी मार्केट आपको लगे अच्छे से रिकवर करना स्टार्ट कर रही है और पूरी की पूरी जो रशिया का और यूक्रेन का जो विवाद है और वो युद्ध टल गया है, उस टाइम पर आप यहाँ पर दिल खोल कर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपदा में अवसर भी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।